हम लोग जा रहे हैं अपने पहले इंटरनेशनल ट्रिप के लिए। हम लोग जा रहे हैं सिंगापुर एंड हमारा लगेज रेडी है, टैक्सी भी आ गई है और अब हम निकल रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। यहाँ से हमको 4.5 घंटे लग जाएंगे पहुँचने में। सो ये दोनों तो निकल पड़े हैं अपना अपना लगेज लेकर। एंड ये रही रिद्या, ये आ गई अपना लगेज लेने के लिए। सो निकल रहे हैं हम लोग अब सिंगापुर के लिए। लगेज हम लोग ने शिफ्ट कर लिया है गाड़ी में और हमारी कैब जो है वो ऑलरेडी बाहर है। सो मैं अपनी मेडिसिन्स वगैरह सब लेके निकल रही हूँ क्योंकि ये पहले 4.5-5 घंटे का ट्रैवल है, उसके बाद आगे 6-7 घंटे की फ्लाइट है। तो कुल मिला के पूरा दिन आज ट्रैवलिंग में ही निकलने वाला है। सो हम लोग निकल रहे हैं अभी एंड पहले जाएंगे दिल्ली एयरपोर्ट, फिर आगे अपनी फ्लाइट लेंगे, फिर रास्ते का भी कुछ कुछ कैप्चर करूंगी। सो अभी के लिए इतना ही और पूरे ब्लॉग आके एडिट करूंगी, कोई शॉर्ट्स नहीं कुछ नहीं, सब आके डालूंगी। पर डेफिनेटली मसूरी ब्लॉग्स की तरह ये ब्लॉग भी शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगी। सो अभी के लिए बाय, फिर से निकल रहे हैं। तो घर से चले हुए 2.25 घंटे हो गए हैं और हम पहुंच गए हैं हवेली और यहाँ हम थोड़ा सा फ्रेशन अप होएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि 4 बजे हम लोग निकल गए थे और अभी बज रहे हैं 6:15। नॉर्मली हमारा यही स्टॉप होता है जब हम दिल्ली, गुड़गांव या नोएडा की तरफ जाते हैं, तो हमारा यही स्टॉप होता है। सो यहीं रुके हैं, पर इतनी अर्ली कभी नहीं आए, 6:15 बज रहे हैं एंड इट्स अर्ली मॉर्निंग एंड कोई रश नहीं है अभी। तो बाहर के जो फूड कोर्ट के काउंटर्स हैं वो भी नहीं लगे। सो स्ट्रेट अवे हम अंदर जा रहे हैं और वहाँ से ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर चलेंगे क्योंकि 8:30-9 बजे तक हमको एयरपोर्ट भी पहुँचना है। सो रश कम था तो 2.25 घंटे में हम यहाँ पहुँच गए क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, हम लोग 4 बजे निकले थे और हम लोग जो है वो वैसे यहाँ पहुँचने में हमको 2.5-3 घंटे लग जाते हैं रूटीन में, पर सुबह सुबह का टाइम था तो रश नहीं था तो 2.25 घंटे में पहुँच गए। सो अभी यहाँ से हम ब्रेकफास्ट करेंगे। आज मैं आपको हवेली का अंदर का नज़ारा दिखाती हूँ क्योंकि मैंने पहले भी व्लॉग्स में शेयर किया है या दिखाया है कि हम यहाँ ब्रेक के लिए रुकते हैं, मिड ब्रेक के लिए यहीं रुकते हैं, फ्रेशन अप होते हैं और कुछ खाते पीते हैं। सो ये है अंदर का नज़ारा, काफ़ी अच्छी एकदम देसी हवेली वाइब है और बिल्कुल ऐसा एक देसी नज़ारा है एकदम रेट्रो स्टाइल का। एंड ये आपको यहाँ एक बार नज़र घुमाने पर लग रहा होगा एकदम प्योर देसी इंडियन वाइब है और हवेली की वाइब है एक्चुअली। यहाँ खाट लगे हुए हैं, कुआं है, मिरर है, यहाँ भगवान जी की चौकी इन्होंने रखी हुई है, एक विंटेज कार खड़ी है इधर। सो अंदर का मैं कभी कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि जब भी हम पहुँचते हैं तो एकदम पीक आवर्स होते हैं, रश आवर्स होते हैं। सो अभी सुबह सुबह का टाइम है तो काफ़ी खाली है, 2-3-4 फैमिलीज़ हैं जो अंदर जो है वो अपना मील इंजॉय कर रही हैं या ब्रेकफास्ट इंजॉय कर रही हैं। सो रश नहीं है तो मुझे लगा आज मैं आपको अंदर का नज़ारा भी दिखाती हूँ। सो ये है अंदर का नज़ारा और बहुत ही अच्छी एम्बियंस है, बहुत ही अच्छी वाइब है इस प्लेस की। और सुबह सुबह है तो एकदम खाली है, नहीं तो दिन में तो बहुत रश होता है तो कुछ भी कैप्चर करने का मज़ा नहीं आता। तो ये हवेली पड़ती है दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा जाते हुए रास्ते में, तो हम इस रूट से किसी भी जगह जाते हैं तो इसी प्लेस पर रुकते हैं। ये यहाँ का इंटीरियर है और बहुत ही अच्छा प्लेस है, बहुत ही कूल प्लेस है, खाना बहुत अच्छा है यहाँ का और फूड कोर्ट का ही ज़्यादातर हम इंजॉय करते हैं, कुछ स्नैक्स लेते हैं। पर आज बहुत सुबह का टाइम है तो सुनील और आद्यंत और बच्चे हम लोग सब ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। सो देखते हैं कि क्या ऑर्डर करते हैं ये लोग ब्रेकफास्ट में एंड क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सो ये ब्रेकफास्ट आ गया है। सो इन लोगों ने तो सिंपल अपना पराठा ऑर्डर किया है, कुछ मिंट चटनी है यहाँ और पिकल है, कर्ड है, देसी इंडियन वाइट बटर है। सो इस सब के साथ ही अपना पराठा इन्होंने ऑर्डर किया है और मैंने अपने लिए ऑर्डर किया है ये कॉर्न स्पिनच सैंडविच और हॉट चॉकलेट। सो सुनील का फिक्स्ड है पराठा विद टी एंड मेरा फिक्स्ड है कॉर्न स्पिनच सैंडविच विद हॉट चॉकलेट एंड बच्चे दोनों चीज़ों में शेयर करने वाले हैं। वो दोनों ही इंडिसिसिव थे तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो दोनों चीज़ें थोड़ी थोड़ी शेयर करेंगे।
सो हम लोग ने बहुत सॉर्टेड चीज़ें ऑर्डर की हैं, पराठा एंड कॉर्नस्पिनच सैंडविच, ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो हैवी करने का तो किसी का मन ही नहीं था। सो बहुत लाइट रखना चाहते थे सभी, सो बस यही ब्रेकफास्ट में ऑर्डर किया है। बट ये था कि थोड़ी थोड़ी क्रेविंग थी एंड इसके बाद क्योंकि फिर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे एंड लंच हमारा फ्लाइट में ही है, एयरपोर्ट पे बच्चे कुछ लेना चाहेंगे तो ले लेंगे। सो ब्रेकफास्ट हो गया है और अब हम निकल पड़े हैं यहाँ से दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ। तो हम पहुंच गए हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एंड अभी 9 बजने वाले हैं और हमारी फ़्लाइट का टाइम 12:55 का टाइम है। सो 3-4 घंटे जैसे पहले हमको पहुंचना था इंटरनेशनल फ़्लाइट लेने के लिए। सो हम ऑन टाइम हैं, अभी 9 नहीं बजे एंड वी आर एंटरिंग इन द एयरपोर्ट। सो टर्मिनल 3 पे था हमारा जो फ़्लाइट था और एयर इंडिया की फ़्लाइट थी हमारी और स्ट्रेट थी फॉर सिंगापुर। सो बीच में एज सच कोई ब्रेक नहीं था। सो अगर फ़्लाइट राइट टाइम होगी तो 12:55 का हमारा फ़्लाइट का टाइम है। सो 12:55 पे अगर फ़्लाइट टेक ऑफ कर लेगी तो लगभग 9:30 बजे हम सिंगापुर पहुंचेंगे। फ़्लाइट का टाइम लगभग 6 घंटे का है लेकिन दोनों कंट्रीज़ के टाइमिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो 2.5 घंटे का है, तो उस वजह से हम 1 बजे चल के 7 बजे पहुँचने की बजाय 9:30 बजे के आसपास पहुँचेंगे। डिपेंड करता है फ़्लाइट अगर राइट टाइम रहती है तो, क्योंकि इंडिया और सिंगापुर के टाइम के बीच में शायद 2.5 घंटे का डिफरेंस है। जो सिंगापुर का टाइम है वो 2.5 घंटे आगे है इंडिया से। सो फिर बाकी का मैं आपके साथ रास्ते में ज़रूर क्लिपिंग्स शेयर करूंगी। सो अभी तो हम लगेज वगैरह सब चेक इन करवा रहे हैं एंड उसके बाद वेट करना है ऑब्वियसली फ़्लाइट के लिए। और लंच जैसे मैंने बताया था कि हमारा फ़्लाइट में ही है, काफ़ी अच्छा खासा रश है, अभी 9 भी नहीं बजे पर रश काफ़ी है अभी भी एंड वी आर ऑल इन द क्यू। एंड हमारा ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है तो कुछ चीज़ें हमारे लिए भी नई थी एंड ये जो सभी अलग अलग एयरलाइंस के काउंटर्स हैं वो है यहाँ पर। सो हमारा जो है वो एयर इंडिया का है और टर्मिनल 3 पे हमारी फ़्लाइट थी। सो हमारा लगेज चेक इन हो गया है, टैग्स वगैरह बैग्स पे लग चुके हैं, वेट वगैरह सब हो गया है बैग्स का। सो वी आर सॉर्टेड नाउ, बैग जो है वो अब हमने हैंड ओवर कर दिए हैं, चेक इन हो गया है, बोर्डिंग पासिस मिल गए हैं। सो नाउ वी आर मूविंग। सो यहाँ से हमारा इंटरनेशनल डिपार्चर है और यहीं से हमारा पासपोर्ट सिक्योरिटी और सब चेक होगा एंड जो हमारे कैबिन बैग हैं वो भी यहीं से चेक होंगे। लेकिन अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा फ्रेशन अप होंगे और फ्रेशन अप होने के बाद अपना सिक्योरिटी चेक करवा के एंड देन विल बी रोमिंग अराउंड। सो हमारा सिक्योरिटी चेक हो गया है, वी आर ऑल सॉर्टेड नाउ, बस अब हमको फ़्लाइट बोर्ड करनी है एंड वी आर रेडी टू मूव। एंड आप नज़ारा देखिए, आसपास जितने भी आउटलेट्स आपको नज़र आएंगे सारे प्रीमियम आउटलेट्स जो हाई एंड ब्रांड्स हैं वो आपको सारे यहाँ एयरपोर्ट पे नज़र आ जाएंगे। और उसके अलावा आपको एयरपोर्ट पे ड्यूटी फ्री के भी काफ़ी काउंटर्स दिख जाएंगे, आप वहाँ से भी शॉप कर सकते हैं। सो आप नज़ारा लीजिए और फिर मैं आपसे मिलती हूँ फ़्लाइट में।
फ्लाइट बोर्ड करने का टाइम हो गया है और हम लोग जा रहे हैं फ्लाइट में। सो हम लोग ने अपनी अपनी सीट्स ले ली हैं और प्लेन ने फाइनली मूव करना स्टार्ट कर दिया है एंड इट इज़ रेडी टू टेक ऑफ नाउ। एंड ये हमारे कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे एंड दिस इज़ इट। सो फ्लाइट हमारी रेडी है टेक ऑफ के लिए एंड वी आर टेकिंग ऑफ नाउ एंड दिस इज़ इट। सो वी आर इन द स्काई। सो दिस इज़ एन अल्टीमेट एक्सपीरियंस एंड आई रियली इन्जॉयड दिस। सो आप भी इंजॉय करिए। स्नैक ब्रेक था जिसमें ये क्रंची कोन्स थे और मैंने लिया था ऑरेंज जूस और भी ऑप्शंस थे एंड कुछ देर बाद ही हमारा लंच का टाइम हो गया था। ज़्यादा गैप नहीं था इन दोनों चीज़ों में। सो इसके बाद ही लंच सर्व हो गया था और लंच में ये सब चीज़ें थी। सुनील के लंच को मैं कैप्चर कर रही हूँ। इसमें है राइस और एक पनीर की कोई ग्रेवी वाली सब्जी है और एक है ये ड्राई सब्जी, कुछ गोभी मटर जैसा कुछ है एंड उसके अलावा एक बन है, मदर डेयरी की दही है, अमूल बटर है एंड देन एक डेजर्ट है, वाटर बॉटल है, उसके बाद मिल गई थी चाय। सो ये था हमारा लंच और ठीक ठाक लंच था, बहुत प्रीमियम लंच नहीं था। सो लंच ओवर हो चुका है, चाय वाय सब हो गई है, अब थोड़ा सा नैप लेने का टाइम है और थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। सो बाहर का नज़ारा लीजिए और मैं क्लिपिंग्स शेयर करती रहूँगी। सवा 9 बज गए हैं और प्लेन की लैंडिंग हो चुकी है। सो अपना लगेज हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं और ये हमारा लगेज कलेक्ट हो गया है। सो अब बाहर निकल रहे हैं, कैप्टन हमारी वेट कर रहे होंगे, हमारी कैब आ चुकी होगी। सो ये है चेंगी एयरपोर्ट और ये काफ़ी सुंदर एयरपोर्ट है बट हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि ऑन टाइम थे, हमारे कैप्टन आ चुके थे एंड हमारे पास रिकॉर्ड करने का तो टाइम था ही नहीं। सो वी वर रियली इन अ हरी, पर वापसी में ज़रूर कुछ ना कुछ कैप्चर करने की कोशिश करूंगी। सो अब हम जा रहे हैं होटल की तरफ और ये देखिए रात का नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा है। सो कल से हमारा घूमने का प्रोग्राम है तो कल सुबह से ही घूमने निकल पड़ेंगे और ये देखिए ये लोकल एरिया है, लोकल मार्केट है। सो आप नज़ारा लीजिए और फिर होटल चल के बात करते हैं। तो ये रहा हमारा होटल, वन फेरर होटल है, ये 5-स्टार प्रॉपर्टी है। सो अब हम जा रहे हैं अपना चेक इन करेंगे। सो आप होटल का नज़ारा लीजिए और हम लोग चेक इन कर लेते हैं तब तक। सो चेक इन की सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई हैं और हमने दो रूम्स बुक किए थे क्योंकि एक बच्चों का और एक हमारा। सो ये है हमारा रूम। सो एंटर कर रहे हैं हम अपने रूम में और कुछ इस तरीके का रूम का नज़ारा है और 11th फ्लोर पे हमारे रूम्स हैं दोनों के। सो मैं फटाफट से दोनों रूम्स का आपको एक क्विक टूर दे रही हूँ। सो आप चेक करिए और इन्जॉय करिए।
सो चेक इन हो गया है और फ्रेशन अप होके हम लोग आ गए हैं डिनर के लिए। एंड ये छोटी सी क्लिपिंग शेयर कर रही हूँ कि क्या हमको पास में मिल गया इंडियन खाना डिनर में। सो फ्राइड राइस है, पनीर की ग्रेवी की सब्जी है और बटर नान है। ज़्यादा हम लोग ने कुछ ऑर्डर नहीं किया। सो डिनर करके हम लोग वापस आ गए हैं होटल और अब करेंगे रेस्ट, क्योंकि पूरा दिन के थके हुए हैं और कल से जो है वो हमारा घूमने का प्रोग्राम है। सो कल आई थिंक 1 बजे के आसपास हमको निकलना है। सो तब तक नींद पूरी कर लेंगे और रिजुवेनेट हो जाएंगे घूमने के लिए। सो इसी के साथ ही इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक शेयर करना नहीं भूलिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपकी कोई क्वेरी है इस व्लॉग के रिगार्डिंग तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सो इसी के साथ ही आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।